जिस जो अधिकारी है जो बैठने का, उसका तो उसे तो निमंत्रण तक नहीं है। यही कणखल में हरिद्वार के पास कभी आप वहां देखने जाएंगे तो देखेंगे कि बड़े भारी वास्तु दोष उसमें है। ईशान में जहां प्रभु का मंदिर होना चाहिए, जहां देव प्रतिमा रखने की जगह, वहां तो दक्षिण जूते उतारने का स्थान रखा, वहीं एक आसन डाल दिया, शिव को रख दिया कि ये शिव का आसन है। जहां अग्नि कुंड होना चाहिए वहां कुछ और किया है, सीधा सीधा अमंगल को निमंत्रण दिया है। उधर जो है नारद जी पहुंच गए हिमालय पर, कैलाश पर, संकेत हुआ कि आपकी पिता सती के पास सूचना आ गई कि पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें तो निमंत्रण भी नहीं दिया। बिहल ओटी सती, विचलित हो गई। शिव ने मना किया कि ये पूर्व नियोजित है, वहां जाओगी तो बहुत अपमान होगा। पर पुत्री को जितना अपना मायके पे भरोसा होता है, ससुराल पे उतना कभी नहीं हो पाता। उसे लगा मेरा कैसे अपमान हो जाएगा, ये तो मेरा अपना घर है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे पिता, मेरी मां, मेरे बहनें, मेरे संगी साथी, मेरा अपना कुटुंब, वो तो मेरा अपना है। वो आज भी है और वो जब भी था। आप अपने आप को उनसे बिलग न करें। अमृतस्य पुत्रा, जो देवताओं के साथ घटनाएं होती हैं वो हम सबके साथ हो रही हैं, हम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। और जैसे ही आपको उच्चता का व्यवहार करने लगते हैं तो आप देव के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। देव सत्ता तो आपके अंदर विराजमान है, चर्चा है कि कौन सा देव आपके शरीर में कहां बैठा है। ये केवल हमारा धर्म है, जहां ये बताया है, ज्योतिष के ज्ञाता जानते होंगे कि आपको ये बताया जा सकता है कि आप किस देवता की पूजा करें, आपके लिए कौन देव बना है, आप उस देव की पूजा करें। भागवत जी में भी इसका संकेत है, विद्या कामस्तु ग्रीषम दाम्पत्यार्थम उमा सत्यम, देवता अलग बनाए गए हैं। किसी को जब भय लगता है तो वो हनुमान जी को याद करता है। कोई नहीं है ऐसा कि जिसे डर लग रहा हो और उस समय महालक्ष्मी को याद कर रहा हो, हे लक्ष्मी माता मेरी रक्षा करो, कोई नहीं है। पहले से निश्चित है कि रक्षा कौन करेगा, वैभव कौन देगा, उद्योग कौन चलाएगा। ये सिर्फ यहां है, ऋषि मुनि महापुरुषों ने इतना शोध करके दे दिया। ये तो हम हैं जो काला चश्मा लगाए बैठे हैं। काले से मैं भी तो कुछ दिखता है, अंधा चश्मा लगाए बैठे, पट्टी बांधे बैठे, हर चीज तो उन्होंने खोल के दी आपके लिए कि यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, और बाजू में दर्द है तो बाजू का यज्ञ करो, पत्नी नहीं है तो पत्नी प्राप्ति का यज्ञ करो, और मर नहीं रहे हो, मृत्यु नहीं आ रही है तो उसका यज्ञ करो, आ जाएगी मुक्ति, हो जाएगी। हर चीज तो उन्होंने बिखेर दी आपके लिए। ऐसा सुंदर हमारा पूर्वजों का इतिहास है। सती ने नहीं माना, वहां पहुंच गई। दक्ष तो इसके लिए यज्ञ करके बैठा था, उसने तो अपने डायलॉग पहले से तैयार कर रखे थे कि वो आएगी तो ये कहूंगा और वो आएगा तो ये कहूंगा। वो तो इसी के लिए ये सब आयोजन करके बैठा था। जैसे ही सती को देखा उसने कहा, हे दुर्मति, तू यहां आ गई, तुझे किसने बुलाया। सती को बड़ा दुख हुआ, उसने देखा जहां पादुकाएं उतारने का स्थल है वहां तो मेरे पति का आसन है, और जो मेरे पति का आसन होना चाहिए वहां मेरे पिता बैठे हैं। तो एक बात बता दूं, बहनें प्रेम जरूर मायके से ज्यादा करती हैं, पर सम्मान ससुराल का ज्यादा करना चाहती हैं, ये पक्की बात है। वो प्रेम ज्यादा करेंगी मायके से, पर वो ये कभी नहीं चाहेंगी कि मेरे पति का अपमान हो जाए वहां।
मेरे सास ससुर का वहां अपमान हो जाए ना, उन्हें पूरा सम्मान मिले। ये अपनी कथा है। सती ने जैसे ही देखा मेरे स्वामी का अपमान हो रहा है, सहन नहीं हुआ, वहीं हवन कुंड में स्वाहा हो गई। चारों तरफ तीनों लोकों में सतलोक से लेके पाताल तक हाहाकार मच गया। सती का संकेत हो गया, शिव के पास पहुंच गई खबर। शिव वहां से आए, शिव का पूरा गणों के साथ वहां से दौड़े, और जहां शिव की स्तुति नहीं हो रही है, जहां महादेव को नहीं पूजा जा रहा है, जहां किसी के अपमान के लिए, एक झूठे संकल्प के लिए कोई यज्ञ यजन किया जा रहा है, तो वहां असफलता तो निश्चित होगी। जैसे ही शिव ने देखा कि तैने मेरे लिए प्राण दिए हैं, सती को खींच लिया हवन कुंड से। एक क्षण लगा शिव को वहां पहुंचने में, मन में विचार आने से पहले शिव वहां पहुंच गए। सती के शरीर को खींच के अपने कंधे पर डाल दिया। शिव तांडव करने लगे, चारों लोकों में हाहाकार मच गया, जिधर देखो उधर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाल पावितस्थले, गलेव लंबे लंबे तांभुजंग तुंग मालिका, डमट 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 मन्नी नाद वट मरवयम, चकार चंड तांडवम, तनोतु न शिव शिव, तनोतु न शिव शिवम। जटा कटाह सम्र मम्र मन्नी लिंब निर्जरी, बिलोल बीचि पल्लरी विराजमान ललाट पट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम, रति प्रतीक्षण मम, रति प्रतीक्षण मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर, स्मृति कंत संतति प्रमोद मान मानस, कृपा कटाक्ष धरणी निरुद्ध धुर्धरापति, कचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि, विनोद मेतु वस्तुनि, विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फड़ा मणि प्रभा, कदंब कुहकुम द्रवा प्रलिप्त दिग्वधू मुखे, मदांत सिंदूर स्फुरत गुप्तरीय मेदुरे, मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी, विभर्त भूत भर्तरी, विभर्त भूत भर्तरी। सहस्त लोचना प्रभत्य शेष लेख शेखर, प्रसून थौली धौरणि विधूसरांग्र पीठ भुज, भुजंग राजमालया निवत्त जाट जूटका, श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर, चकोर बंधु शेखर, चकोर बंधु शेखर। ललाट चतरज्जल धनंजय स्फुलिंगवा, निपीत पंच सायकम नमन लिंप नायकम, सुधा मयूखलेखया विराजमान शेखरम, महाकपाल संपदे शिरोजटाल मस्तुन, शिरोजटाल मस्तुन, शिरोजटाल मस्तुन।